स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर सैम पित्रोदा का एक और विवादित बयान सामने आया, जिस पर पीएम मोदी ने करारा पलटवार किया है। सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान पर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि अब उन्होंने भारतीयों के रंग रूप को लेकर ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने सियासी पारा हाई कर दिया है। पित्रोदा के नस्लीय बयान पर पीएम मोदी ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं, शहजादे के गाइड अंकल ने देश को गाली दी है, देश को अपमान किया है। सुनवाते ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मैं गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं? शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर हमला बोला।